कहते हैं कि मोहब्बत से खुशी मिलती है, लेकिन ऐसी भी कई घटनाएं हुई हैं कि इस पर से भरोसा उठ गया है। इससे कोई इनकार कर नहीं सकता है कि एक बार फिर से बीजेपी शासित राज्य यानी एमपी की सरकार को तगड़ा झटका लगा है, वो भी हाई कोर्ट की तरफ से। और वो इसलिए लगा है क्योंकि उन्होंने एक ऐसे मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश की, याचिका दायर की, जो हर किसी में अपनी मर्जी से होता है। जब बालिग हो जाते हैं उसके बाद आप किसी भी जो है धर्म में जाकर अपनी शादी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, ये कानूनन अधिकार है। वैसे हम सभी लोग ये जानते ही हैं कि हम सभी लोग आजाद भारत में रहते हैं और आजाद हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपने रहन सहन के लिए, अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने के लिए, क्योंकि ये हक किसी और ने नहीं बल्कि खुद संविधान ने दिया है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अपनी राजनीति के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। कोई लव जिहाद बताता है, कोई पूरी की पूरी प्लानिंग बताता है, और ये सब किया क्यों जाता है? सिर्फ और सिर्फ ऊंचे ओहदे तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि ऊंचे ओहदे तक पहुंचने के लिए आप खुद की नजरों में कितना गिर गए हैं, ये भी एक बार आईने में खड़े होकर देख लेना चाहिए और खुद से पूछ भी लेना चाहिए। दरअसल आज मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लव जिहाद रोकने की मुहिम को जो तगड़ा झटका दिया गया है वो बेहद ही शॉकिंग है। एमपी हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 10 को प्रथम दृष्टया असंवैधानिक करार देते हुए इच्छा से यानी अपनी मर्जी से अंतरजातीय यानी दूसरी कास्ट में विवाह करने वाले वयस्क नागरिकों पर इस धारा के तहत मुकदमा नहीं चलाने का आदेश दे दिया है। यानी अभी जब तक यह हो जाता था कि अगर दूसरे धर्म में कर शादी कर लेते हैं तो उन पर धर्म परिवर्तन कराने का या फिर ऐसा कोई आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करा दिया जाता था, लेकिन उस धारा को ही अब हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। और असंवैधानिक करार देने के साथ साथ यह भी कह दिया है कि जो भी दूसरी कास्ट में जाकर शादी करेंगे उन पर कोई भी मुकदमा आप नहीं चलाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी लज्जा शंकर हरदेनिया, आजम खान और बाकी 6 लोगों ने मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की बाकी धाराओं को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की थी। अलग अलग याचिकाओं को एक करते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट के जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस प्रकाश चंद्र गुप्ता की पीठ ने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के समूह पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दे दिया है और राज्य सरकार से जवाब तलब कर लिया है। अगर वयस्क नागरिक अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और अधिनियम की धारा 10 के उल्लंघन के लिए कठोर कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। ये हाईकोर्ट की तरफ से सीधा सीधा प्रदेश की सरकार को नसीहत दी गई है। पीठ ने याचिकाओं को लेकर अपना अंतरिम फैसला सुरक्षित रखते हुए अगले 3 सप्ताह में प्रदेश की सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट की पीठ ने लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और बाकी यानी 2006-5 एसीसी 475 और लक्ष्मीबाई चंद्रगी बी और बाकी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का इसमें जिक्र किया है और इसमें कहा गया है कि विवाह यानी शादी, यौन अभिविन्यास और इन पहलुओं के संबंध में पसंद निजता के अधिकार के दायरे में है और इसका व्यक्ति की गरिमा के साथ सीधा संबंध है। व्यक्ति आजाद भारत में है और आजाद भारत में हर एक नागरिक को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का पूरा हक है। उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं और ना ही उस पर आप कोई अंकुश लगा सकते हैं, ना ही इस पर कोई आप कानून ला सकते हैं कि अगर किसी ने दूसरे धर्म में जाकर शादी कर ली तो आप उसको कारावास में डाल देंगे या फिर उसको उम्र कैद की सजा सुना देंगे। ऐसा हमारा संविधान बिल्कुल नहीं कहता है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने समूचे अधिनियम को चुनौती दी थी। अधिनियम की धारा 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2I, 3, 1 धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण पर रोक, जो 3 के तहत आता है, और 4 में आता है धर्म परिवर्तन करने से पहले इसकी घोषणा, और 12 यानी साबित करने भर को खत्म करने की प्रार्थना की गई थी। यानी धर्म परिवर्तन या फिर होता है नहीं होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या क्या चीजें फॉलो की जानी चाहिए, उन सभी को खत्म करने की बात कही गई थी। याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021
नागरिकों पर मुकदमा चलाने के लिए अधिकारियों को बेलगाम और मनमाना अधिकार देता है। ये नागरिकों के धर्म का पालन करने और अपने जीवन साथी की जाति और धर्म के बावजूद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप भी करता है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि अगर अपेक्षित अधिनियम को कायम रखने की अनुमति दी जाती है तो ये न केवल मूल्यवान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा बल्कि समाज के सद्भाव को भी भंग करेगा। याचिकाकर्ता लज्जा शंकर हरदेनिया ने हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को निर्देश देने और अधिनियम की धारा 10 के तहत किसी भी मुकदमा नहीं चलाए जाने के निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि ये एक खुशी की बात है कि हाईकोर्ट की तरफ से ऐसी ही बात कही गई है। हरदेनिया ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए बताया है कि मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 में प्रत्येक नागरिक के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वयस्क नागरिक को अपनी इच्छा के मुताबिक निर्णय लेने का पूरा अधिकार हासिल है। लव जिहाद के नाम अथवा आड़ में नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन किसी भी सूरत में सभ्य समाज में शोभा नहीं देता है। मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र कानून में बहला फुसला कर धमकी देकर जबरदस्ती धर्मांतरण के आरोप सिद्ध हो जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। यानी अगर कोई किसी को बहला फुसला कर शादी कर लेता है या फिर अपना धर्म छुपा कर दूसरे धर्म का बताकर शादी करता है या फिर धर्म परिवर्तन दूसरे का कराता है, ये सारी चीजें अगर साबित हो जाती हैं तो 10 साल की सजा दी जाएगी उस शख्स को। धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद होने वाली शादियों के 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धर्मांतरण यानी शादी करने और करवाने वाले दोनों पक्षों को लिखित में आवेदन देना भी अनिवार्य है, ये प्रावधान है। बगैर आवेदन दिए धर्मांतरण करवाने का आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो इस पर संबंधित धर्म गुरु, चाहे वो कोई भी हो, काजी, मौलवी या फिर पादरी हो, 5 साल की कारावास का प्रावधान अधिनियम में रखा गया है और इसमें साथ देने वाले लोगों को सजा का भी प्रावधान अधिनियम में किया गया है। आरोपी को ही ये अपना पूरा जो है निर्दोष होने का सबूत देना होगा। जबरन धर्मांतरण या फिर विवाह कराने वाली संस्थाओं के पंजीयन रद्द करने, पीड़ित महिला और पैदा हुए बच्चे को पूरी तरह से भरण पोषण का हक हासिल करने के प्रावधान भी अधिनियम में किए गए हैं। वहीं आपको याद होगा इससे पहले भी कुछ ऐसा ही वाक्या यूपी से सामने आया था जहां पर योगी सरकार को तगड़ा झटका लगा था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ ही कानून लाने की बात योगी सरकार ने की थी और योगी सरकार की कोशिशों को उस वक्त झटका लग गया था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म बदलकर शादी करने के एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि किसी को भी अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो। यह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल तत्व है। 2 लोग अगर राजी खुशी से एक साथ रह रहे हैं तो इस पर किसी को आपत्ति लेने का कोई हक नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही योगी सरकार के लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की तैयारियों को पूरी तरह से झटका लग गया और ये आदेश जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने कुशीनगर के सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार उर्फ आलिया की याचिका पर सुनाया था। याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने यह भी कहा था कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने पर रोक है और ऐसे विवाह की कानून में मान्यता नहीं है। तो बेंच ने कहा कि हम याचिकाकर्ताओं को हिंदू और मुस्लिम की नजर से नहीं देखते हैं, ये 2 बालिग हैं जो अपनी मर्जी और पसंद से 1 साल से साथ रह रहे हैं। कोर्ट ने यह कहा कि किसी रिश्ते में दखल व्यक्ति की निजता के अधिकार में गंभीर अतिक्रमण है जिसका उसे संविधान के अनुच्छेद 21 में अधिकार प्राप्त है। इसी के साथ ही कोर्ट ने एक युवती के पिता की तरफ से दर्ज याचिका जो थी FIR थी उसको खारिज कर दिया था और कह दिया था कि 2 लोग अगर बालिग हो जाते हैं और वो किसके साथ रहना चाहते हैं ये उनका खुद का फैसला है और उस फैसले को लेकर किसी को कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं होनी चाहिए। और यही सारा मामला जो है वो मध्य प्रदेश में देखने मिला है जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी शासित जो सरकार है शिवराज सिंह सरकार उसको तगड़ा झटका लग गया है और कोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया है कि आप उन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, कोई भी FIR दर्ज नहीं करेंगे जो लोग अपनी मर्जी से एक दूसरे धर्म में शादी करते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है और कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।